बीते रविवार टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 7 विकेट से हराया। इस मैच के जीतते ही टीम इंडिया ने पहली बार इंग्लैंड की जमीन पर T20 सीरीज पर अपना कब्जा जमाया। इस मैच में टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जो आज तक क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 199 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम की ओर से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। जब टीम इंडिया दूसरी पारी में रनों का पीछा करने उतरी, तब टीम इंडिया रोहित शर्मा के 56 गेंदों पर शतकीय पारी की बदौलत बड़ी आसानी से 8 गेंद शेष रहते ही टारगेट हासिल कर लिया। टीम इंडिया की तरफ से कोहली ने 43 तो वही पांड्या ने आतिशी 33 रन बनाए और बन गया वो रिकॉर्ड जो आज तक अछूता था। दरअसल पांड्या पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट के किसी मैच में 4 विकेट लेने के साथ 30 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले और इकलौते खिलाड़ी बन गए। बहरहाल T20 सीरीज को 2-1 से जीतने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब 3 मैचों की वनडे सीरीज जीतने पर होगी। बता दें, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच 12 जुलाई को नॉटिंगम में खेला जाएगा।